वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की या रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ज्योमेट्री का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 35। ये इसके बाद आपका ज्योमेट्री पूरी तरह से फाइनल हो चुका। मैंने टोटल 35 लेक्चर्स दिया हूँ, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हो तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट वन से लेकर के पार्ट 34 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये है ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट। इस पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री और मेंस में टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पर्पज से आपको फिनिश हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और इस कोर्स को पूरा सीक्वेंस वाइज एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ₹200 पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे वीडियो में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ज्वाइन करना है। और ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 8 वीडियो यहाँ तक। ये है लास्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, 35वां लेक्चर। इसके बाद आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री फाइनल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा कल से आपको मेंसुरेशन और अलजेब्रा दोनों में साथ लेके चलूँगा, तो कल से आपको ये भी चीज़ें मिलने वाली है। आप पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ₹200 पे करके आप क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ऑल अर्थमेटिक टॉपिक और एडवांसमेंट टॉपिक दोनों आपको कंप्लीट मिलेंगे। यानी 350 प्लस लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। आप पे कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, अकाउंट नंबर दिया हो इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट को आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो की लिंक मिलेगी। सेकेंड, आपको टॉपिक वाइज PDF मिलेगा। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी मिलेगी, आप वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। देर नहीं करते हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ये है लास्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसके बाद आपका पूरी तरह से ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है टाइप वाइज सेशन। मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पूरा चीज़ आपको कवर कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेंस में, एसएससी सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रेंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ए सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट B, टच द साइड AC एट पॉइंट D। If D is the midpoint of AC, circle cut the side AB at point P, find AP by AB. इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका होगा पहले कैसे सोचते हैं, उसके बाद बेसिक अप्रोच के बाद उसको पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से कैसे सोचेंगे। ABC ट्रेंगल में AB इज इक्वल टू AC, कोई ABC एक ट्रेंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, एक वृत्त बिंदु B को स्पर्श करता है, एक वृत्त बिंदु B को स्पर्श करता है, भुजा AC पर बिंदु D को स्पर्श करता है। देखो ध्यान से, हमने बना लिया कोई एक ट्रेंगल ABC, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है कि एक वृत्त बिंदु B को स्पर्श करता है, कोई एक सर्किल बिंदु B को स्पर्श करता है, ठीक है, बिंदु B को स्पर्श कर लिया, बिंदु B को स्पर्श करता है, भुजा AC पर, देखो भुजा ये AC है, AC पर बिंदु D, यहाँ पे बिंदु क्या है D को स्पर्श करता है। यदि D AC का मध्य बिंदु, यदि D मिड पॉइंट हो AC का, यानी कि ये वाला लेंथ AD और ये वाला लेंथ DC, दोनों क्या होगा इक्वल, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, और वृत्त को भुजा AB बिंदु पर P से काटा जाता है। कह रहा है कि वृत्त को भुजा AB पर, अब देखो भुजा AB है यानी ये पॉइंट क्या है P, यहाँ पे कट कर रहा है ना वृत्त को, तो ये पॉइंट P है, तो फाइंड AP बाई PB फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा वो प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इस तरह से लाइन हो, कोई मान लो एक P पॉइंट हो, यहाँ पे टेंजेंट हो T पे, और कोई एक इस तरह से लाइन है, ये A और B है, इसको कट कर रहा है, तो आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है कि PT² इज इक्वल टू क्या होता है PA इंटू क्या PB। अब देखो यहाँ पे कैसे डायग्राम में सोचते कैसे हैं, देखो ध्यान से इस डायग्राम में सोचेंगे कैसे। देखो ये वाला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ और यहाँ तक उठा रहा हूँ,
और ये एक सर्किल, देखो मैं वही चीज उठा रहा हूँ, एक सर्किल है, हमने एक छेड़ दिया यहाँ से इस पे, देखो ये ए है जो ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है बी है और ये पॉइंट क्या है डी है, देखो मैंने उठा लिया ना ये, और ये सर्किल उठा लिया मैंने, ये सर्किल उठा लिया, ठीक है, अब दिख गया ये। तो अब बताओ यहां से क्या लिखूंगा, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी ए बी इंटू क्या लिखूंगा, पी ए, ठीक है, पी ए या ए पी लिख लो, या इसी को ए पी भी बोल सकता हूं। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, ए डी क्या है, ए डी क्या है, वह डी पॉइंट मध्य बिंदु, ए डी को मैं लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए डी को लिख सकता हूं ए सी बाय टू, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए सी बाय टू लिख सकता हूं, तो ए डी को लिख दिया क्या, ए सी बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, आपको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी, ए बी की जगह पे ए सी लिख सकता हूँ, ए सी इंटू पी ए, या इसको चेंज करके क्या लिखता हूँ, ए पी, पी ए लिखो या ए पी लिखो, बात एक ही है, तो मैं इसको चेंज करके क्या लिख दिया यहाँ पे, ए पी लिख दो या ए पी लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, बात तो ही है। एक देखो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए पी, ठीक है, ए सी इंटू ए पी, एक ए सी से एक ए सी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ए सी आपके पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू, इधर मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या हो गया, फोर ए पी, यहां तक पता चल गया, ए सी इज इक्वल टू फोर ए पी। ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, तो मैं रख दूं ए सी के जगह पे रख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू फोर ए पी। अब आपके देखो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई इधर ए बी, क्या बन गया, वन बाई फोर आ गया हमारा आंसर। तो एक तो तरीका ये है, मेथड वन जो बेसिक अप्रोच है, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, हम एग्जाम में क्या करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, ये तो बेसिक अप्रोच आना जरूरी है क्योंकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में कैसे करने वाले हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में क्या है हम अपने आप सपोज कर लेंगे, सपोज क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपको ए बी ऐसे क्वेश्चन में नोमेरिक वैल्यू, स्मॉलेस्ट नोमेरिक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, दो तीन चार कुछ भी, क्यों मैं दो मान रहा हूं, देखो आसान हो जाएगा, ये दो है तो ए सी दो है तो ए बी भी दो है, आपको पता है कि ए बी भी क्या है दो है, दो यूनिट, मैंने अपने दो तीन चार नोमेरिक वैल्यू अपने आप मान सकते हो, ऐसा मानना जिससे आसानी से, ये डी क्या है मिड पॉइंट हो तो ये वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली देखो, अब डायरेक्टली इस फार्मूला, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए डी स्क्वायर, ए डी, ए डी कितना है वन, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है, ए बी दो इंटू दो इंटू, ठीक है, चलो दो इंटू ये क्या है, ए पी को ऐसे ही रहने दो ए पी, तो यहां से क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई टू, ए पी इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया। अब ए पी बाई क्या पूछा गया है, पी बी, ए पी बाई पी बी, सॉरी ए पी बाई पूछा गया है ए बी, ये ए बी है ना, ए पी बाई ए बी पूछा गया है, ये ए बी है, तो ए पी कितना है वन बाई टू और ए बी कितना है टोटल दो, यानी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन बाई फोर, यानी आंसर हो गया। इस तरह से भी आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको करने का तरीका आना चाहिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप नोमेरिक वैल्यू मान लो, आसानी से निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको बेसिक अप्रोच वही चीजें थी उसको लिखने की जरूरत नहीं होती कि इसके इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये, मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा है, पी क्यू इज ए कोर्ड ऑफ सर्किल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। PQ एक कोड है हुज लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए पॉइंट टी टू टेंजेंट पी टी एंड टी क्यू आर ड्रॉन ऑन द सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। कह रहा है कि पी क्यू वृत्त की जीवा है, हमने क्या है कोई एक सर्किल बना लिया, हमने सर्किल बना लिया, हमने सर्किल बना लिया, तो हमने क्या करा कि पी क्यू एक जीवा है,
हमने क्या है कोर्ड बना लिया पी क्यू, एक हमने कोर्ड बना लिया। लो जी पी क्यू एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर। टोटल कितना है पी क्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, सर्किल का ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये वृत्त की त्रिज्या होगा ये वाला लाइन 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु टी से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा, बिंदु टी, अब टी क्या है भाई, चलो ठीक है, बिंदु टी से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा पी टी एंड टी क्यू, पी टी एंड टी क्यू यानी बाहर है ये पॉइंट, तभी तो ये टी पॉइंट बाहर है, तो पी टी और क्यू टी, पी टी पी टी ये वाला पी टी और ये वाला क्यू टी 2 स्पर्श रेखा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, खींची जाती हैं। तो पी टी की लंबाई ज्ञात करो, ये वाला लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको मैंने एक कंडीशन क्या बताया था, देखो ध्यान से, कि कोई एक सर्किल है, कोई एक जीवा है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सेंटर से हम इस लाइन को मिला देते हैं, तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये और ये। इस पॉइंट को सपोज मैं एम मान लेता हूँ, टोटल 8 लेंथ था, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4। आपको पता चल गया कि ये क्या है, देखो सॉरी कंट्रोल जेड, चलो फिर से लिखना पड़ेगा, एक्चुअली वो क्या हो गया मिसमैच हो गया, ठीक है, देखो एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, एस मिसमैच हो गया क्वेश्चन, फिर से आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, वो मिसमैच हो गया, वो डायग्राम उड़ गया, मतलब कुछ टेक्निकल इशू आ गए। पी क्यू क्या है, एक पी और क्यू एक जीवा है, सेंटर ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि पी से बाहर कोई स्पर्श रेखा पी टी और, देखो पी टी और क्यू टी, ये पी टी है और ये क्यू टी क्या है 2 स्पर्श रेखा है। तो हमसे पूछा क्या गया है पी टी की लंबाई, ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है कि ये वाला लेंथ क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता देता हूँ कि कोई एक लाइन है, एक जीवा है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डाल के मिला दिया, तो ये बताओ इस पे परपेंडिकुलर होगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब आपको दिया गया पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 था, तो ये 4 और 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब देखो आप खुद सोचो, एक ट्रेंगिल हमारे ये ले लिया, देखो ये छोटा वाला ट्रेंगिल मैं उठा रहा हूँ, ये वाला ट्रेंगिल ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेंगिल ये क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये कितना है 5 और ये कितना है 4, तो आपको ट्रिपलेट पता है ना, ये क्या हो जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 हो गया, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया 3। यहाँ तक पता चल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। अब आपसे निकालना क्या है, ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला, तो देखो मैं अब कैसे निकालेंगे, इस ट्रेंगिल को पकड़ते हैं, ये वाला ट्रेंगिल को, मैं ये वाला ट्रेंगिल को पकड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा, पी है ये, टी है ये, 90 डिग्री है, ये क्या है 4 है, अगर ये गिवन होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन गिवन नहीं है ना, लेकिन अब देखो ये ट्रेंगिल क्या था पी, ये क्या था, अगर मैं इसको एम पॉइंट मानता हूँ तो ये एम है और ये एम है और ये क्या है ओ है और ये टी है। अब देखो ध्यान से 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कॉमन है ना 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां M ना लेकर के S, अब देखो ये M तो 90 डिग्री है, लेकिन मेरे को क्या है इस एंगल को ना बना करके मैं ये ट्रेंगल बनाऊंगा, देखो कौन सा ट्रेंगल बनाऊंगा, एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर कट दिखा सकूं। आपको बताया हूँ कि कोई भी एक ट्रेंगिल है, अगर टेंजेंट है, टेंजेंट है उस पर सेंटर से अगर लाइन खींचोगे वो रेडियस होगा और वो उस पर क्या होगा परपेंडिकुलर। तो देखो ये एक सर्किल, सर्किल पे ये क्या है एक टेंजेंट लाइन है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ टेंजेंट लाइन को, लो जी, क्योंकि लाइन टू बी एक्सटेंडेड टू बी मिनिमाइज, लाइन को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, अपने अकॉर्डिंग।
तो ये इस लाइन पे क्या है, रेडियस है, सेंटर से मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो अब इस ट्रेंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रेंगल, बड़े वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, बड़ा वाला ट्रेंगल निकाल रहा हूँ। ये क्या है, 90 डिग्री है। ये लेंथ कितना है, 5। ये कितना है, ये नहीं पता है हमें, लेकिन ये पता है 90 डिग्री हो गया ना। ये ओ है, ये पी है, और ये क्या है, टी है। आप खुद सोचो, ये ओ इधर भी, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं है। ओ क्या है, दोनों में कॉमन है, सिमिलरिटी यूज कर रहा हूँ। इधर एम, छोटे वाले ट्रेंगल में एम है, बड़े वाले ट्रेंगल में कौन सा 90 डिग्री है, पी है, दोनों ठीक है। एम तो इधर क्या रह गया, पी, और इधर क्या रह गया, टी। इस तरह से लिखना पता है, दोनों क्या होंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि ए ए प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए, तो आपको लिखने का तरीका बताएं, ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी इज इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाई क्या, पी टी इज इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाई क्या, ओ टी। अब आपसे निकालना क्या है, पी टी निकालना है ना भाई, तो इन दोनों में रिलेशन लिख लो, इन दोनों को यूज कर लो। तो यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ एम इंटू पी टी इज इक्वल टू एम पी इंटू एम पी इंटू एम पी इंटू ओ पी। अब देखो ध्यान से, ओ एम कितना दिया हुआ है, ओ से एम 3, पी टी तो निकालना था, एम पी कितना है, 4, ओ पी OP कितना है, 5। बस, यानी PT कितना हो गया, PT हो गया आपको 20/3। ये क्या होगा आपका आंसर। तो सिमिलरिटी का यूज करने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, सर्किल की प्रॉपर्टी यूज हुई, साथ में सिमिलरिटी, और ये मेंस का क्वेश्चन बन गया। और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ होता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, ट्रिगो से भी बना सकते थे। कैसे, वो चीज़ देखो, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके भी बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके बना सकते थे। देखो यहां तक ट्रेंगिल यहीं ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लूं, ये एंगल को थीटा मान लूं, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर देखो ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। यहां से सिर्फ मैं इस, छोड़ो ये वाला डायग्राम को मिटाता हूं, आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ट्रेंगल, देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूँ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों त्रिभुज में तीन कोणों का ये, अगर ये टोटल कितना था 90, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मैं एक और ट्रेंगल ये ले ले रहा हूँ, ये क्या है पी, ये क्या है एम, और ये क्या है टी, ये क्या है थीटा, ठीक है थीटा, और ये क्या है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं कोस थीटा लगाता हूँ, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी कितना है 3, एच कितना है 5, और यहाँ पे देखो कोस थीटा लगाऊंगा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा बी बाई एच, बी ये वाला लेंथ कितना है, देखो पीएम, पीएम लेंथ कितना है, 4 है ना, ये वाला लेंथ 4 है, ये वाला लेंथ तो 4 ही है ना। तो देखो बी बाई एच, इस केस में पी ए है, बी ए है, और एच ये है, क्योंकि एंगल के सामने वाला ये, तो बी बाई एच, बी कितना है 4/h, एच क्या है पी टी, पी टी को मान लेता हूँ एक्स, एक्स कोस थीटा इक्वल करें 3/5 इजिक्वल टू क्या हो गया 4/x, तो एक्स इजिक्वल टू कितना हो गया 20/3, एक्स क्या है हमारा पी टी, यानी पी टी का लेंथ कितना हो गया 20/3। तो आप ट्रिगो भी यूज करके बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज को यूज टू होना चाहिए। ट्रिगो का हमने यूज करके बना दिया, ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, पी टी एंड क्यू टी आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, टेंजेंट ए बी कट ओ टी एट ई पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट्स
आर ऑन द लाइन पी टी एंड क्यू टी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन कर रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। पहले सबसे पहले जरूरत जो चीज़ें हैं, सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओ क्या है, सेंटर है, हमने सेंटर बना लिया ओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, नो डाउट हमें पता है। पी टी एंड क्यू टी आर दो की वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, पी टी और क्यू टी। मान लें ये टी पॉइंट है, तो पी टी और क्यू टी दो क्या है, इसको मान लो P और इसको माना Q। पी टी एंड क्यू टी क्या है, दो स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस O को, सेंटर को यहां से यहां मिलाओगे तो ये कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। आगे स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, ए बी ओ टी को बिंदु ई पे काटती है, ओ टी को बिंदु ई पे काटती है। अच्छा, यानी इस तरह से बात की जा रहा है, ए बी को एक स्पर्श रेखा है इस तरह से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, किसको, ओ टी बिंदु ई पर काटती है, किसको, रेखा ए बी ओ टी को, ओ टी लाइन है ना, ये वाला लाइन क्या है, ओ टी लाइन है, उसको किस पे काटती है, ई पॉइंट पे काटती है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया ई, और स्पर्श रेखा ए बी क्या है, टेंजेंट लाइन है, हमने ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ए और बी क्रमशः पी टी और क्यू टी पर है, ए पे पी टी पे है और ये क्या है, बी क्यू टी पे है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करो, ये वाला लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो जाता है, रेडियस कितना दिया, देखो ये रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी टेंजेंट हो सेंटर से इस पे लाएं, ये रेडियस होगा और परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, इस पे टेंजेंट था तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस ट्रेंगल की बात करता हूं, ये वाले ट्रेंगल की बात करता हूं, ये वाले ट्रेंगल को मैं खींच रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। देखो जो हरा वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 5 है और ये 13 है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अगर ये ट्रिपलेट पढ़े हो 5, 12 और 13, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये 5, 13 है तो ये क्या होगा 12, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है 12 हो गया। अब मैं आगे क्या करूं, हमें क्या चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर सेंटर से कभी भी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री, ये सेंटर है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, इस पे ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो देखो अब मैं बात करता हूँ ए ई टी की, ये देखो ए पॉइंट है ए, ये पॉइंट ई पॉइंट है ई, और ये क्या है टी है, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 90 डिग्री है ई टी। अब देखो कैसे हम निकालेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं। आप खुद सोचो, यहां से यहां कोई भी रेडियस, सर्कम सेंटर से सर्कम फेरेंस पे कहीं भी डालोगे वो क्या कहलाता है, रेडियस। देखो यहां सर्कम सेंटर से सर्कम फेरेंस पे डाला, ये भी 5 हो गया, अगर ये 5 है तो ये यहां से यहां टोटल 13 है ना, टोटल 13, तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी ई टी की, ई टी का लेंथ कितना हो गया 8। अब देखिएगा सिमिलरिटी हम यूज कर रहे हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा सिमिलरिटी कैसे यूज कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या था P और ये क्या था O और ये क्या था T। अब देखो ध्यान से इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से, इस केस में मैं बोलूं T दोनों में कॉमन है एंगल, तो T दोनों में कॉमन है, इसका P तो इसका E, यानी इधर P है तो इधर क्या है E, इधर T है तो इधर भी T है इक्वल। अब जो बच गया इसका O और इसका इसका A, क्या होगा, सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि ए ए प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया, मैंने ये लिख दिया। अब लिख दिया सिमिलर हो गया, तो इन दोनों को यूज कर लो, पी टी बाई ई टी इज इक्वल टू टी ओ बाई टी ए, टी ओ बाई टी ए इज इक्वल टू पी ओ बाई क्या ई ए। बस अब जो यूज करना है
इन दोनों को यूज कर लो, क्योंकि पीटी हमें चाहिए ना। देखो अब ध्यान से, हमें लेंथ ए बी का चाहिए ना। ए बी, ए बी कैसे निकलेगा वो तो आसानी से देखते हैं, ए बी कैसे निकलेगा वो तो बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, अब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा, तो पी टी इंटू ई ए इज इक्वल टू पी ओ इंटू ई टी। पी टी, पी टी लेंथ कितनी है 12, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पी टी का लेंथ 12, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए नहीं पता है तो ई ए रहने देते हैं ऐसे ही। पी ओ, पी ओ पता है ना, पी से ओ कितना है 5। ई टी, ई टी पता है कितना है 8। तो यहाँ से देखो, मैं 4 3 12, 4 2 8, यानी ई ए की वैल्यू मिल गई हमारे पास। ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैन, 4 2 8, 4 3 12, तो कितना हो गया ई ए 10/3। ई ए 10/3 हो गया। और आपको ये भी पता है ये वाला कंडीशन कि अगर कोई भी एक जीवा हो उस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो उसको दो हिस्सों में बांटती है। कोई एक जीवा है, अगर इस पे ये परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको दो हिस्सों में बांट देगा। यानी डैट मीन्स कि अगर मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी क्या करेगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AE, 2AE, यानी 2AE, यानी कि 2 इंटू AE अभी आया है, ई ए 10/3, डैट मीन्स कितना हो जाएगा 20/3, क्योंकि ये भी लेंथ परपेंडिकुलर ही होगा ना, जैसे ही ये पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बांट रहा है। तो ये चीज़ें आपको हो गई, तो इस तरह से क्या हो गया, 20/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसको ट्रिगो से करना चाहते थे तो ट्रिगो से कर सकते थे, यहीं से ट्रिगो यूज कर सकते थे। देखो ध्यान से, इतना ज़रूरत ही नहीं थी करने की। ध्यान से देखो, ट्रिगो का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, कैसे वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिगो भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रिगो की प्रॉपर्टी यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। देखो ट्रिगो हम कैसे यूज करेंगे, दोनों ट्रेंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रेंगल में देखो, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है और इस एंगल में ये थीटा है। यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, कॉस थीटा यूज, टेन थीटा यूज कर लूँ, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, क्योंकि हमें ए ही निकालना है ना, टेन थीटा इस केस में क्या होगा, पी बाई बी, पी कितना है 5 और बी कितना है, बी कितना है 12, क्योंकि हाइपोटेनस ये है तो 5/12। इस केस में अभी ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, पी कितना है ए बाई बी कितना है ये 8। ये दोनों इक्वल कर लें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, तो 5/12 इज इक्वल टू ए बाई 8, 4 3 12, 4 2 10, यानी ए कितना हो गया 10/3। जैसे ही ए पता चल गया, आपको पता है कि ए बी का ए बी, ए बी क्या होगा 2AE, 2AE यानी कि कितना हो गया 2 इंटू 10/3, डेट मीन्स कितना हो गया 20/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप ट्रिगो के भी यूज करके आप बना सकते हो, क्योंकि आप ट्रिगो में ऑलरेडी 23 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ट्रिगो, ठीक है, तो आप ट्रिगो की भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, टू सर्किल ए एंड बी हैविंग रेडियस 15 एंड 20 सेंटीमीटर, कट ईच अदर एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट ऑफ देयर सर्किल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोर्ड सी डी। देखो आपको डायरेक्ट फार्मूला से भी बताऊंगा और डायरेक्ट आपको इसका यूज भी बताऊंगा कि कैसे, दोनों चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो ये सर्किल ये है, दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को सी पॉइंट और डी पॉइंट पे। एक सर्किल का रेडियस दूसरे सर्किल का, देखो ये सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर क्या है, ए और बी हैविंग टू रेडियस, ए टू सर्किल ए एंड बी हैविंग रेडियस 15 एंड ये, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट सेंटर को ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो ये दोनों सेंटर ऐसे, ये वाला रेडियस हो गया इसका कितना है 15 और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है 20, हमसे निकालना क्या है, और ये दोनों एक दूसरे, इस पे ये टेंजेंट है और इस पे ये टेंजेंट है, हमें निकालना क्या है ये वाला लेंथ सी डी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर ये कंडीशन हो तो सी डी क्या होता है, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि दो सर्किल हैं, अगर ये ओ है, ये ओ डैश है सेंटर,
यहाँ से इसकी रेडियस आर वन, यहाँ से इसकी रेडियस आर टू है, और ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और आपको मैंने बताया था कि अगर ये लेंथ निकालना है, ये ए है और बी दोनों कट करें, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, टू, अगर ये पॉइंट बीच में है सी, तो टू ए सी या टू इन टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई ओ ओ डैश। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला से निकाल सकते थे कि सी डी, सी डी क्या हो जाएगा, टू इंटू आर वन, आर वन कितना है 15, इंटू आर टू कितना है 20 ओवर। अब ये नहीं पता है कि ए बी क्या होगा, लेकिन आपको इतना पता है ना, आपको मैंने एक ये बताया हूँ कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर इस पे ये रेडियस होगा, इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या है 15 है, ये 20 है, ये 90 डिग्री है। तो आप बताओ, ट्रिपलेट पता है ना, 3 4 5, 3 का 5 गुना 15, 5 गुना 4 का 5 गुना 20, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25, यानी ये हाइपोटेनस है, तो ये कितना हो जाएगा 25, आपको पता चल गया। ओ ओ डैश यानी ये वाला लेंथ कितना है 25, तो हमने 25 लिख दिया, 5 50 25, 5 चौके 20, 5 3 15, डेट मीन्स कितना हो गया 3 दूनी 6 6 चौके 24 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आंसर। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लो, ये वाला फार्मूला यूज कर लो। दूसरा, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को बताया था कि कैसे करना है। देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि अगर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से इस सेंटर से इस जीवा पे परपेंडिकुलर, ये दोनों को दो इक्वल भाग में बांट देगा। अब देखो, मैं ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर तो आ गया, ये सी है, ये ए है, ये बी है, हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री है, यहाँ से हमने ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये इस पॉइंट को मान लेता हूँ ई, तो ये ई है। आपको सी ई निकाल दें, सी ई क्या होगा, ये 15 है, ये 20 है, तो आपको सी ई निकालने पता है ना, सी क्या होता है 15 और ये कितना है 25 है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से अभी मैंने ये निकाल दिया था। आपको पता है ना, सी ई अगर निकालना है तो आपको क्या करते हो, ये पी इंटू बी, पी बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एच, तो 15 × 20 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 3 15 50 25, ये मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, 4, यानी सी ई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है सी डी, सी डी क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना परपेंडिकुलर, वैसे सी डी क्या होगा 2 सी ई, तो 2 इंटू सी ई कितना है 12, डेट मीन्स कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और ये किसी को अगर नहीं समझा, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया हूँ यार, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए बी सी है, ये 90 डिग्री, यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर डी डालो, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताया था ना, ए बी इंटू क्या बी सी डिवाइडेड बाई क्या होता है ए सी, यही वाला, ये तो मैं कितनी बार सिमिलरिटी में बता चुका हूँ, यही कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे डाल दो, मैंने फार्मूले भी बताए हूँ, उसका कॉन्सेप्ट भी बताएँ, तो दोनों चीज़ें बताए हूँ, जैसे मर्जी आप वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू सर्किल हैविंग सेंटर ओ एंड ओ डैश कट ईच अदर हुज कॉमन कोर्ड इज ए बी। दो सर्किल हैं, एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है, दो सर्किल हो गए, एक का सेंटर ओ है, दूसरे का ओ डैश है। कट ईच अदर हुज कॉमन कोड इज ए बी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का कॉमन कोड क्या हो गया ये, इसको बोलते हैं कॉमन कोड, हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। ओ ओ डैश एट एम, ओ ओ डैश एट एम, एक मिनट, जो कह रहा है उसको मैं देखता हूं, ओ ओ डैश एम एंड डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, डायमीटर 30 एंड 40 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर 30 और 40 है, डेट मीन्स क्या है, रेडियस कितना होगा 15 और 20, यानी ये वाला रेडियस कितना है 15 और ये वाला रेडियस कितना है 20, और ये ओ ओ डैश, ओ ओ डैश आगे देखते हैं, ओ ओ डैश एट एम, यानी ये एम पर कट कर रहा है, ये कह रहा है कि कट ओ ओ डैश एट एम, ठीक है, हुज कॉमन कोड ए बी एंड कट ओ ओ डैश एट एम, तो ओ ओ डैश किस पे, एम पे कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ रेडियस ऑफ सर्किल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस ऑफ सर्किल, ये रेडियस ऑफ सर्किल है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, कोई दिक्कत नहीं है। एट कटिंग एट पॉइंट,
ठीक है, कटिंग एट पॉइंट काटते हैं, ओ डैश एम एंड कॉमन कोड ओ डैश एम ये वाला लेंथ निकालो और कॉमन कोड ए बी निकालो। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो यार। देखो एक तो फार्मूला आपको बताया था कि ए बी निकालने का 2 इंटू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई ओ ओ डैश, यानी कि ए बी 2 आर वन, आर वन कितना है 15, आर टू कितना है 20 डिवाइडेड बाई ओ ओ डैश। देखो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये है 15, ये है 20, आपको ये पता है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस हो गया। 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया 25, यहाँ पे 25 लिख दिया। तो 2 5 4 25 5 3 15 5 4 20, यानी ये 2 ऐसे ही रह गया, यानी डैट मीन्स कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये तो आपको क्या मिल गया कि ये वाला लेंथ मिल गया डायरेक्टली फार्मूला से। अगर फार्मूला नहीं जानना था तो आप ऐसे कर सकते थे, आप ऐसे निकाल सकते थे, ये ए है, ये ओ है, ये ओ डैश है, ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता चल गया ये क्वेश्चन में भी गिवन है। अगर ये हाइट निकाल दें हम, ये हाइट निकाल दें, मान लेते हैं ये एम पॉइंट दिया हुआ है, ए एम निकाल दें, तो ये 15 है, ये 20 है, तो ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से ये 25 हो जाएगा। तो ए एम निकालने का तरीका बताया हूँ क्या होता है, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या 25, डैट मीन्स 5 3 15 5 25 5 4 20, यानी डैट मीन्स कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये सेंटर है, जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा 2 AM, ये AM है ना 2 AM, यानी क्या हो गया 2 इंटू AM पता है ना कितना है 12, डैट मीन्स कितना हो गया 2 इंटू 12 डैट मीन्स कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से करो या आपको कॉन्सेप्ट वाइज आप चलो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, ये आ गया कॉमन कोड, कॉमन कोड तो ए बी पता चल गया, लेकिन हमसे पूछा गया ओ डैश एम, ये पूछा गया है लेंथ, ठीक है, हमसे पूछा गया है। एक बार मैं इसको इरेज भी करता हूँ, बहुत सारा दिक्कत आ रही है। देखो हमसे पूछा गया है क्या, ये एम पे काटता है, ये पूछा गया ये भी लेंथ क्या होगा ओ डैश एम। तो मैं एक साइड से मिटा देता हूँ, इस फार्मूले वाले को मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो दूसरा वाला चीज़ मैं लेके चलता हूँ, एक तो काम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉमन कोड कितना होगा ये। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपसे, एस। अब पूछ रहा है ओ डैश एम कैसे निकालें, तो आपको पता है जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डालोगे ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ये लेंथ ले रहा हूँ, देखो देखो ये ए है, ये एम है, और ये क्या है ओ है, ये 15 गिवन है, ठीक है। ए एम अभी पता चल गया, ए एम कितना दिया हुआ है 12, तो आपको पता चल रहा है ना 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 का ट्रिपल कितना हो रहा है 15, 4 का ट्रिपल 4 का 3 गुना 12, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, यानी ये 9 हो गया। ओएम कितना हो गया 9, ओएम 9 हो गया, ओएम 9 हो गया, टोटल कितना था 25, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। या तो निकाल भी सकते थे, देखो यहाँ से ये भी निकाल सकते थे, ये था ए, ये था इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंगल की, ये एम और ये क्या था ओ डैश, आपको ये पता है ना ये कितना है, ए एम अभी पता चल गया ये 12 है और ये 20 है, तो देखो 3 4 5 ट्रिपलेट है ना, तो 5 का 20 है तो 3 का 4 गुना 12, तो 4 का 4 गुना 16, तो ऑलरेडी भी इस तरह से भी 16 निकाल सकते हो, या एक निकाल के दूसरा निकल जाएगा। तो ओ डैश एम कितना हो गया 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही निकालना था ना ओ डैश एम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है और प्रॉपर्टी नॉर्मली, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी फार्मूला बताया हूँ फिर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी है इन दोनों, एक ही क्वेश्चन में दो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 सर्किल हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दो सर्किल हैं जिनका रेडियस ये, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 16 सेंटीमीटर। दो सर्किल हमने ले लिया, एक मिनट इस सर्किल को भी अच्छे से बना दूं, ध्यान से देखिएगा, दो सर्किल है
ठीक है, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दोनों का सेंटर है, एक का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर, ये ओ है ओ डैश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो पहला चीज, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये ए बी सी डी, तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, सीधी उभयनिष्ठ रेखा, सीधी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा इसको बोलते हैं। तो सीधी उभयनिष्ठ रेखा क्या हो जाएगी, या तो ए बी इज इक्वल टू या सी डी इज इक्वल टू, फार्मूला बताया था क्या होता है, ओ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये तो एक होता है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है ट्रांस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला और ये वाला, तो इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन क्या, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, वही फार्मूला क्या होता है, ओ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस क्या, यहाँ पे आर वन माइनस आर टू है, ये क्या हो जाता है, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। तो देखो इस केस में क्या होगा, अंडर रूट ओ ओ डैश कितना है, 16, 16 का होल स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो गया, 16 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, 256 माइनस 4, डेट मीन्स 252। ये एक क्वेश्चन का सीधी उभयनिष्ठ रेखा का ये आंसर हो गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं क्या, तिर्यक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना कि तिर्यक तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, की लंबाई ज्ञात करें, इसके साथ साथ दो क्वेश्चन थे, लंबाई ज्ञात करें, तो ये वाला तिर्यक स्पर्श रेखा कौन कौन सी होगी, एक ये होगी और दूसरा ये होगी, इसका फार्मूला क्या, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर माइनस रेडियस आर वन प्लस आर टू, 8 प्लस 6 14 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, यानी कितना हो गया, 256 में से 160, रूट 60 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेगा तो ये, अगर आपसे बोला जाए कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो ये, दोनों का आंसर, एक का डायरेक्ट का आ गया 252, इनडायरेक्ट का। आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरी तरह से ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री, अगर आपके पास सिमिलरिटी का नॉलेज है तो मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं भी पता है तो आप बना सकते हो, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है उतनी। अगर वो चीज़ आती है मेंस में तो एक क्वेश्चन आता है, उस टाइम मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा अगर उसकी नीड हुई इन फ्यूचर, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई नीड नहीं है। आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री मैंने अपने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो कल आपको वीडियो मिलेगी वो मेंसुरेशन और अलजेब्रा दोनों में, साथ साथ दो वीडियो मेंसुरेशन की डेली दूंगा और तीन वीडियो अलजेब्रा की। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट। अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ ज्योमेट्री की मिल जाए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको 200 रुपये में ज्वाइन करते हो कोर्स ना, तो आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ की वीडियो भी मिलेगी और हर एक टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ डाउट ग्रुप भी मिलेगा, तो इस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन एज वेल एज अलजेब्रा।